स्वामी नारायण अक्षरधाम, जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति का हृदय हर्ष से पुलकित हो उठता है। एक समयातीत सर्जन, सनातन वैदिक संस्कृति के मस्तक का मुकुटमणि, हमारी प्राचीनतम विरासत के साथ आधुनिकतम तकनीकों का विस्मयकारी संयोजन, भव्यता और दिव्यता का मनोहर संगम, ऐसे अभूतपूर्व सर्जन के सर्जक हैं विश्व वंदनीय संत विभूति ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज, पर ब्रह्म भगवान स्वामी नारायण को समर्पित सनातन वैदिक संस्कृति के महातीर्थ समान अक्षरधाम महामंदिर का सबसे पहला सर्जन हुआ गांधीनगर में सन 1992 में। गुरु योगी जी महाराज के संकल्प को साकार करने वाले प्रमुख स्वामी जी महाराज ने दूसरा अक्षरधाम मंदिर बनाया राजधानी दिल्ली में यमुना के तट पर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जिसे विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रूप में घोषित किया है, विश्व प्रसिद्ध सामयिक रीडर्स डाइजेस्ट ने जिसे आधुनिक विश्व की अजायबी के रूप में प्रशस्त किया है, ऐसा स्वामी नारायण अक्षरधाम एक अभिनव तीर्थ है जिसने जन साधारण से लेकर विश्व प्रसिद्ध महानुभावों तक 193 देशों के विभिन्न धर्म और परंपरा के करोड़ों लोगों को आकर्षित किया है। राजस्थान के गुलाबी पत्थर से निर्मित अक्षरधाम महामंदिर के स्थापत्य में 3 लाख से अधिक पत्थरों का गढ़न किया गया है। ये अभूतपूर्व स्थापत्य 20,000 मूर्ति शिल्पों, सुंदर नक्काशी युक्त संगमरमर के स्तंभ, कलामंडित घुमटी और भव्य मंडोवर से सुशोभित है। संपूर्ण अक्षरधाम महामंदिर एक अभूतपूर्व गजेंद्र पीठिका पर निर्मित किया गया है, जहां गुलाबी पत्थरों में से गढ़े हुए 148 पूर्ण कद के हाथियों की जीवंत कलामंडित शिल्प सृष्टि पारंपरिक कहानियों के माध्यम से जीवन उत्कर्ष का अद्भुत संदेश देती हैं। अक्षरधाम परिसर में स्थित विशाल प्रेरक प्रदर्शन खंड दर्शनार्थी के हृदय पर अमीट प्रभाव अंकित कर देते हैं। 10,000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति की अमूल्य और गौरवपूर्ण विरासत को अभिव्यक्त करती नौका विहार की प्रस्तुति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अस्मिता की ज्योति प्रज्वलित करती है। आध्यात्मिकता और आधुनिकता का समन्वय कर 18वीं सदी के भारत को बड़े पर्दे पर जीवंत किया है। भारत में बनी ये पहली लार्ज फॉर्मेट फिल्म है। कुल 45,000 से अधिक पात्रों से अभिनित नीलकंठ कल्याण यात्रा फिल्म दर्शकों को रोमांचित करती है। आधुनिक ऑडियो एनिमेट्रॉनिक्स तकनीक के माध्यम से भगवान स्वामी नारायण के दिव्य जीवन पर आधारित प्रदर्शन दर्शक के जीवन को नई ऊर्जा से भर देता है। जल, वायु, अग्नि, ध्वनि संगीत और प्रकाश आदि के संयोजन से केन उपनिषद की कथा को प्रस्तुत करने वाला प्रोजेक्शन मैपिंग वाटर शो, ऐसे भव्य और दिव्य अक्षरधाम का सर्जन केवल 5 वर्षों में संपन्न होना स्वयं में एक आश्चर्य है। स्वामी नारायण अक्षरधाम केवल कलात्मक स्थापत्य मात्र नहीं है, परंतु ये एक विलक्षण चैतन्य शक्ति से सभर आध्यात्मिक भूमि है,
जहां पर प्रतिवर्ष लाखों लोग श्रद्धा पूर्वक दर्शन करके शांति की दिव्य अनुभूति करते हैं, पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, समाज, राष्ट्र और विश्व की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के संकल्प से केवल भारत में ही नहीं परंतु पश्चिमी विश्व में अमेरिका की धरती पर रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में भव्याति भव्य अक्षरधाम महामंदिर आकार ले रहा है, जो विश्व भर के लोगों को भारतीय संस्कृति के वैभव का परिचय करवाएगा। ऐसे अनुपम अक्षरधाम के सर्जक प्रमुख स्वामी महाराज की भावना भी अनुपम थी। ये अक्षरधाम जो बनाया है, ये अक्षरधाम बनाने का एक योगी का संकल्प और उसकी भावना थी कि ये धाम से ये संस्कार मिले, शांति मिले और लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जागृत हुए, लोगों का कल्याण हुए, ये भावना से किया। इसमें कोई हरीफाई की बात है ही नहीं, पर ये आध्यात्मिक पुरुष का विचार सबका कल्याण का है, मोक्ष का है, शांति का है, भारत का और दुनिया का उत्कर्ष होए, शांति होए, यही ये भावना है। तो इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं सारा देश के अंदर सब प्रकार आध्यात्मिक की वृद्धि थाए और ऐसी आध्यात्मिक प्रेरणा लेके सब लोग अपना कार्य करें शांति हुए से। ओम शांति शांति शांति। ऐसे शुद्ध हृदय की भावनाओं का साकार स्वरूप अक्षरधाम असंख्य लोगों को शांति, श्रद्धा तथा जीवन गढ़न का संदेश युगों तक देता रहेगा। ऐसे दिव्य सर्जन के विश्वकर्मा और अक्षरधाम के आर्ष द्रष्टा ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। Good afternoon, Your Holiness, respected dignitaries, and congregants from around the world. Namaste. My name is Dave Fried. I'm the mayor of Robbinsville and a man of deep faith. I am honored and humbled to have the opportunity to send my best wishes on this auspicious occasion. Pramukh Swami Maharaj lived his entire life in service of the people in the community and in the entire world. In 2017, I had the rare and special opportunity to meet with His Holiness along with my son. It was a day I will never forget, and it also happened to be my birthday, and His Holiness was kind enough to actually give me a card himself. Swami Maharaj made his final trip to America at the age of 93 to visit Robbinsville and inaugurate the temple here. Nearly a decade later, thousands of people still find inspiration from the amount of energy and effort he used to instill values and morality into the community here. His life and his work has inspired millions across the world to dedicate themselves to humanitarian causes. Today, we still experience that spirit of service throughout the thousands of volunteers serving here every day. Throughout America, including Robbinsville, I wish you all the best in celebrating the centennial celebrations for His Holiness in India. My sincere best wishes to Mahat Swami Maharaj and to everyone there. Thank you and have a great day. अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में रॉबिन्सविल नगर में 165 एकड़ भूमि पर यह विशाल परिसर पनप रहा है। इस विशाल परिसर के केंद्र में है अक्षरधाम महामंदिर, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक सर्वोत्तम नमूना है। अक्षरधाम महामंदिर के ये है कुछ परिमाण और ये है प्रांत 12 उपशिखर, 32 फासना शिखर और उसके उपरांत 1 किलोमीटर से अधिक लंबी कलात्मक परिक्रमा। ऐसे कई अंगों से अक्षरधाम प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक अनुपम अर्वाचीन अजूबा बन रहेगा। बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के स्वयं सेवकों के द्वारा
पत्थर की खानों से पत्थर निकालकर उसे सामुद्री मार्ग से भारत पहुंचाया जाता है। कुल 14 लाख घनफुट की विशाल मात्रा में पत्थर की एक अनुपम यात्रा शुरू होती है। खानों से निकला हुआ पत्थर भारत में राजस्थान में पहुंचकर प्रतिदिन नया नया रूप धारण करता रहता है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार अद्भुत हस्तकला से कलात्मक गठन होता है। भारत में राजस्थान में कुल 25 से अधिक विविध स्थानों पर कुल 3,400 से अधिक शिल्पियों के द्वारा पत्थरों का यह गठन कार्य चल रहा है। उन हजारों